हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल राइस। ये बहुत ही टेस्टी लगता है राइस खाने में, तो इसे हम कुकर में बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे देखिए इतने सारे सब्जियाँ ले लिए हम लिए हैं गोभी, आलू, बंद गोभी, बीन्स, मटर छीमी, इन सभी सब्जियों को ले लिए हैं। आप इसमें चाहें तो और भी हरा सब्जी डाल सकते हैं। टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, एक तेजपत्ता है और दो हरे मिर्च हैं या आदि लिए हैं, इसे कूट कर लेंगे। और यहाँ पे हरा धनिया लिए हैं। इन सभी को डालकर आज हम वेजिटेबल मसाला राइस बनाएंगे। तो यहाँ पे गैस जलाकर कुकर गर्म होने के लिए रख दिए थे। कुकर गर्म हो चुका है तो इसमें हम सरसों तेल ले लिए हैं। आप जो तेल खाएं उसमें आप बना सकते हैं। तो तेल गर्म हो गया है तो यहाँ पे हम जीरा का तड़का दे देंगे। हम तेजपत्ता और दो हरे मिर्च जो लिए हैं इसे डाल, दो मीडियम साइज के प्याज के इस तरह पतले लंबे पीस में काटे इसे भी डाल देंगे और इसे हम थोड़ा भूनेंगे। प्याज थोड़ा भून गया है तो यहीं पर हम जो गोभी काट के लिए थे इसे डाल देंगे। सारे सब्जियों को एक साथ ही डालकर भूनेंगे। यहाँ पर आलू भी डाल देंगे, पत्ता गोभी जो लिए हैं इसे भी डाल देंगे, चीनी को भी छिलके जो लिए थे इसे भी डाल देंगे और बीन्स लिए हैं छोटे टुकड़े में काट के थोड़ा। तो देखिए हल्का सा सारे सब्जियां भुन चुके हैं, तो अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो चावल को पकाने से पहले हम यहाँ पे इसको धोकर रख दिए थे। इससे क्या होता है कि चावल जब बनाइएगा कुकर में डालकर तो जल्दी पक जाता है और गैस की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। तो चावल यहाँ पे हम 350 ग्राम लिए हुए हैं, तो अब सब्जी में हम चावल को डालकर भून लेंगे। तो चावल को हम डाल देंगे कुकर में। तो चावल को डालकर अच्छे से सभी सब्जी के साथ मिलाते हुए इसे भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा यहाँ पे जो आदि लिए थे इसे कूट कर ले लिए हैं। आदि को कूट कर डालिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे एक चम्मच धनिया पाउडर लिए हैं इसे डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं इसे डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर लिए हैं इसे डाल देंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं इसे डाल देंगे और इन सभी को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को डालकर अच्छे से इसे भी भून लेंगे। यहीं पर हम धनिया पत्ता को भी डालकर इसमें अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सभी चीज़ों को डालकर चावल और सब्जी को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पानी डाल दिया है। चावल लिए हैं 350 ग्राम, तो हम यहाँ 500 ग्राम से ज़्यादा पानी डाले हुए हैं। यहाँ 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी थोड़ा डाले हैं। तो अब अच्छे से चला के मिला दिए और हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा कर इसमें 2 सीटी लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल मसाला राइस तैयार हो गया। कितना अच्छा बना हुआ है, इसे हम चलाकर दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा पक चुका है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, देखने में ही टेस्टी लग रहा है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वेजिटेबल मसाला राइस बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है दोस्तों। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। तो इसे टेस्ट करके ही बताऊँगी कि कैसा बना हुआ है, आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना हुआ है वेजिटेबल मसाला राइस, तो आप लोग इस तरह बनाकर जरूर खाइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।